हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सेवा केंद्र सीएससी चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो जैसे आपको थंबनेल देख के तो समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आयुष्मान कार्ड आप खुद भी बना सकते हैं, कैसे बनाना है, उसका आईडी पासवर्ड मिलना चालू हो गया है, तो आज हम लोग बताएंगे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कि आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी आप खुद भी बना सकते हैं घर बैठे किसी का भी आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से बना सकते हैं और नया पोर्टल पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जनरेट हो गया है। तो आप खुद भी आईडी पासपोर्ट अपना रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे करना है आज हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक देखिएगा तो ही आप अपना आईडी पासवर्ड बना पाएंगे और किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसका भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग के चैनल में आप पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाते हैं और उन्हें बताते हैं पूरा डिटेल पूर्वक कि किस प्रकार से हम लोग को अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। तो जैसे कि फ्रेंड हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। सिंपली इस प्रकार से अब मैं एक आपको लिंक दूंगा दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करेंगे और मैं अपने मोबाइल में भी इसको हमें क्या कर लाता हूँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सिंपली इस प्रकार के हम लोग का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली इस प्रकार को ओपन हो जाएगा। तो पहला में यह दिया है रजिस्टर यूअर सेल्फ सर्च बेनिफिशरी, तो आप खुद भी यहाँ आईडी बना सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करना होगा। आईडी बन गया है तो उसके लिए आपको ईकेवाईसी करना पड़ेगा। तो सेकंड में यहाँ पे ईकेवाईसी करना है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, उसके बाद आपका ईकेवाईसी हो जाएगा तभी आपका आईडी बनेगा। उसके बाद किसी का भी आयुष्मान कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तीन ठो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को बेनिफिशरी डिटेल अपना आईडी बनाना है, तो पहला वाला में क्लिक करना है। पूरा डिटेल हम लोग अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाटा में यहाँ भरना है। आधार कार्ड से मैच नहीं होगा तो आपका आईडी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आधार कार्ड में लिंक है वही मोबाइल नंबर डालेंगे, अन्यथा आपका आईडी रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस प्रकार से मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, अब यहाँ पे हम लोग को ईमेल आईडी डाल देना है। तो सिंपली मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अपना नाम हमें टाइप कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड में आएगा जेंडर आएगा, तो मैं जेंडर अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर देना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ भी आपको पूरा डिटेल है ना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो मैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से हम लोग का डिटेल यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। अब कर देता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे पूरा डिटेल हम लोग भर चुके हैं, अब करता हूँ सबमिट। सबमिट करेंगे जैसे ही देख सकते हैं यू हैव विन सक्सेसफुल क्रिएटेड आपका अकाउंट। तो इस प्रकार से मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, यानी कि चालू हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हम लोग को यहाँ पे केवाईसी करने की जरूरत है तो ही हम लोग का आईडी यहाँ पे सक्सेसफुल बनेगा। इस प्रकार का यहाँ पे पॉपअप खुल गया, वहाँ पे लॉगिन ऑप्शन में क्लिक किया तो मैं उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर बनना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना मोबाइल नंबर सिंग इन कर दिया हूँ, ठीक है ना। सिंग इन जैसे ही करूँगा इस प्रकार से हम लोग के मोबाइल नंबर में ओटीपी आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा तो देखते हैं, हम लोग का मोबाइल नंबर में भी ओटीपी आ चुका है। सिंपली अब हम लोग यहाँ पे अपना ओटीपी हमें दर्ज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंग इन में फिर क्लिक करता हूँ। सिंग इन में जैसे क्लिक करूँगा हमारा हम लोग का डिटेल पूरा यहाँ पे फिल होकर आ चुका है। अब नीचे दिया गया है कि यहाँ पे कंप्लीट यूअर केवाईसी, तो हम लोग को आधार कार्ड से अपना केवाईसी करना पड़ेगा। ओटीपी के द्वारा कर सकते हैं, थंब के द्वारा, आँख स्कैन के द्वारा और फेस के द्वारा, तीन चार चीज़ यहाँ पे हम लोग को केवाईसी करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे केवाईसी कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर भी भर चुका हूँ और मैं ओटीपी से फिल करता हूँ, ठीक है ना। ओटीपी और गेट ओटीपी में क्लिक करूँगा, हम लोग का ओटीपी चल चुका है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है लिंक है उसमें ओटीपी चल चुका है और ओटीपी आ चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना ओटीपी दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद वेरीफाई में क्लिक करना है। वेरीफाई में जैसे क्लिक करूँगा हम लोग यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, अपना पूरा डिटेल यहाँ पे डाटा यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद कंप्लीट डिटेल, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है अपना कैप्चर हमें फिल करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चर फिल कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करूंगा देख सकते हैं ई केवाईसी हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। अब कुछ देर बाद हम लोग का अकाउंट आईडी जो है अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग हमें आयुष्मान कार्ड किसी का भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को आईडी क्रिएट करना था, तो चलिए हम लोग अपना आईडी को ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। हम लोग का आईडी यहाँ पे अप्रूवल हो गया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करता हूँ, ठीक है।
उसके बाद सिंग इन में क्लिक करता हूँ। सिंग इन में जैसे क्लिक करूंगा हम लोग के मोबाइल नंबर में ओटीपी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग के मोबाइल नंबर में ओटीपी इस प्रकार से आ भी चुका है, ठीक है ना। तो मैं अपना आईडी को यहाँ पे एक चालू करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन और फीचर दिया गया है। यहाँ पे सिंग इन में क्लिक करना है ओटीपी डालने के बाद, ओटीपी डालने के बाद क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से हम लोग आईडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे फीचर देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे होम पेज में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पेज हम लोग का दिया गया है। आयुष्मान कार्ड नया बनाना है तो यहाँ पे हमें बेनिफिशियरी डिटेल हमें सर्च मार के राशन कार्ड से या HHID या आधार कार्ड के जरिए इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। और हमें देखिएगा मैं जैसे कि किसी का आयुष्मान कार्ड बनाया हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको यूजर, यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड अप्रूवल हिस्ट्री। तो जिसका मैं आयुष्मान कार्ड बनाया हूँ अभी उसका यहाँ पे मेरा अप्रूव आ गया होगा दिखाई देगा, ठीक ना। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे आयुष्मान कार्ड हमने जब बनाया हूँ तो उसको हमें सर्च मार के आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं 3-4 लोग का आयुष्मान कार्ड बनाया हूँ और इसमें से क्या हुआ है किसका हमने यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है सबका, यहाँ पे बन चुका है सबका, जितना बनाया था उसमें से दो सबका आयुष्मान कार्ड इस प्रकार से यहाँ पे बन चुका है। तो सिंपली इस प्रकार से हम लोग को आईडी को अपना क्रिएट करना था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो एक ही वीडियो में बताएंगे तो आपको लोग कंप्लीट जानकारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी आपको वीडियो मिलने वाले ही। तो जैसे कि फ्रेंड हम लोग का आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया है और लॉगिन भी हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड अब कैसे बनाना है, ठीक है। अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी बताएंगे कि कैसे बनाना है, उसके बाद आप भी बनाने के लिए जान जाएंगे और किसी का भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो रहेंगे आपको मिलेंगे सबसे पहले। और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन और डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस तरह एक दमदार टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।